प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। यहां लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बार निर्वाचन विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। दरअसल निर्वाचन विभाग ने राजधानी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला मतदान केंद्रों का निर्माण किया है। इसके अलावा जागरूकता के लिए आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों को पूरी तरह सुसज्जित किया गया है। ऐसे में निर्वाचन विभाग की ओर से तैयार किए गए आदर्श और महिला मतदान केंद्रों का हम लेंगे जायजा। प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जहां मतदान के अंदर निर्वाचन विभाग ने आदर्श और महिला मतदान केंद्रों का निर्माण किया। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो महिला मतदान केंद्र है उनको किस प्रकार बनाया गया है। जहां जो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो महिला मतदान केंद्र है वहां पे पूर्णतः महिलाओं को यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई गई है मतदान में, जो भी समझ जो कर्मचारी है वो महिला कर्मचारी लगाई गई है। यहाँ मतदान आदर्श मतदान केंद्र और महिला मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ महिलाओं की जो भूमिका है वो विशेष भूमिका अदा करने के लिए, और जो जहाँ महिला कर्मचारियों को लगाया गया है महिला सशक्तिकरण का यानी कि संदेश देने के लिए, और महिलाओं के मतदान प्रतिशत भूमिका बढ़ाने के लिए आदर्श मतदान केंद्रों को बनाया गया है। मतदाता हैं वो वोट करने के लिए आ रहे हैं, और आखिर जो 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 मतदाता हैं उनको जो किस किस भावना होनी चाहिए, जो मतदान है क्या सोच रखनी चाहिए मतदान को लेकर, और मन में क्या होना चाहिए उनके? देखिए, पूरा सोच समझ के कौन कैंडिडेट है, क्या किस तरह की उसकी विचारधारा है, और वो खुद जो वोट देने वाला है वो किस विचारधारा का है, तो पूरा सोच समझ के किसी भी तरह के बहकावे में या किसी तरह के प्रलोभन में आके नहीं देना चाहिए। ये एक स्वतंत्र भारत का एक बहुत बड़ा हक है आपका। उस हक को आप पूरा जुडिशियसली पूरा एकदम सोच समझ के, और जहाँ भी आपका विचार करता है वहाँ पर वोट देना चाहिए। महिला मतदान केंद्र और महिला है, आप युवा भी हैं, तो किस प्रकार की सोच रखनी चाहिए महिलाओं के जो तमाम जो मुद्दे, किस प्रकार के मुद्दे होने चाहिए? मुद्दों से ज़्यादा मुझे लगता है जो आपके प्रोग्रेस, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो भी आपको लगता है कैंडिडेट आपकी चॉइस का होना चाहिए, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आके करना चाहिए, दैट इज ऑल। एंड वो फिर मेल फीमेल्स के लिए इट्स ऑल। वोट करने के किस प्रकार के जो मन में भाव थे वोट को लेकर? सबसे पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, ऑफकोर्स अपनी राइट से ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई थिंक सबको इतना ही एक्साइटेड होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला काम मैंने यही किया है, एंड सबको करना चाहिए। लाइन का कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह हम लाइन में वेट करते हैं जी। देखिए, लगातार इनकी जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए जुट रहे हैं और तमाम जो मुद्दों को लेकर यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन रामकिशन सैनी के साथ लोकेश 16 A1 TV।